एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉयसेट फर्स्ट स्पेस मॉडल के बारे में। गाइस, ये मॉडल नॉलेज मैनेजमेंट का हम थर्ड मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो मॉडल डिस्कस कर लिए हैं, तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बॉयसेट फर्स्ट स्पेस मॉडल क्या है? देखो गाइस, इसमें ना सिर्फ तीन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। हम तीनों एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले इन्होंने बात की है डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। सेकंड, इन्होंने बात की है जो वो की है थ्री डायमेंशन क्यूब के बारे में। और थर्ड जो इन्होंने बात की है कि देर आर सिक्स फेसेस, की कैसे हम नॉलेज को सीखते हैं। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले ये बता दिया कि इसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल ने सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में ही बात की है। तो फर्स्ट थिंग हम उन्होंने क्या बोली है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले उन्होंने क्या बोला कि डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा मॉडल है जिसने बोला है कि जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट होता है। डाटा लाइक आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 12, 11, ठीक है, 10, 100 कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, डाटा हो गया। बट अगर इसको आपको प्रॉपर वे से, कुछ स्ट्रक्चर वे से, टेबल की फॉर्म में या किसी वे से बता दिया, तो वो क्या बनगी, इन्फॉर्मेशन बनगी। इट मीन्स डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। जब डाटा को स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब इससे आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा था कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको इसके सामने प्रेजेंट कर दे कि 11th क्लास में 3 पोजीशन होल्डर्स हैं, 12th क्लास में 4 पोजीशन होल्डर्स हैं, बीकॉम में फर्स्ट 1 पोजीशन होल्डर है कोई, ठीक है, तो इस तरह से क्या है, डाटा और इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इस मॉडल ने भी इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग होगी जो इस मॉडल ने बताई है। सेकेंड थिंग जो इस स्पेस मॉडल ने बताई है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल क्यूब। ठीक है, थ्री डायमेंशनल क्यूब क्या है, इसमें क्या है कि लाइक एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सिखा रहा है। ठीक है, इस बंदे से दूसरे पर्सन के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो रही है, तो वो कैसे होगी, अनकोडिफिकेशन टू कोडिफिकेशन। अनकोडिफिकेशन टू कोडिफिकेशन का मतलब ये है कि पहले वो अपने टैसिट नॉलेज, अब मतलब उसके जो माइंड के अंदर जो नॉलेज है उसको अनकोडिफाइड होगी, मतलब वो उस नॉलेज, उसके अंदर माइंड के अंदर जो नॉलेज है वो कोई कोडिफाइड वे से तो नहीं होती। कोडिफिकेशन का मतलब होता है किसी वर्ड की फॉर्म में या किसी को इमेज की फॉर्म में किसी को एक्सप्रेस करना। तो हम अगर किसी पर्सन को नॉलेज सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो अनकोडिफाइड से कोडिफाइड तक जाएंगे हम। कैसे जाएंगे, लाइक एक पर्सन को कोई भी उसके आइडियाज़ हैं, दैट मीन्स टैसिट नॉलेज, जब वो दूसरे बंदे को एक्सप्रेस करेगा तो कोई कुछ वर्ड्स यूज़ करके एक्सप्रेस करेगा ना। अगर एक बंदा दूसरे को कुछ सिखा रहा है तो उसकी अनकोडिफिकेशन का मतलब जो उसके माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, और कोडिफिकेशन का मतलब हो गया कि वो उसको कुछ वर्ड्स यूज करके, इमेज यूज करके उसको कुछ सिखा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अनकोडिफिकेशन से कोडिफिकेशन तक हम जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो थ्री क्यूब जो उसने बोला है वो सेकंड है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। हमेशा हम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं, मतलब अगर मैंने एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो लाइक एक छोटे बच्चे को हम फॉर लाइक 1/3, 1/2 के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम पहले बोलेंगे कि भाई ये तेरी चॉकलेट है, इसके दो हिस्से कर दिए हमने, ठीक है, एक ये है एक ये है, इसको पहले इमेज मतलब दिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं भाई 1/2, ठीक है, कि हाफ हाफ हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि पहले उसको इमेज की फॉर्म में सिखाओ, फिर उसको फिर उसके बाद में उसको अब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन उसको दो। ठीक है, तो ऐसे सिखा सकते हैं। थर्ड उसने बोला कि अनडिफ्यूज्ड का यहाँ पे मतलब है कि अप्लाई करना। पहले तो क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन कुछ पर्सन तक ही लिमिटेड रहती है, लाइक एक पर्सन के आइडियाज तो वो उसी तक लिमिटेड रहेंगे। डिफ्यूज्ड का मतलब जब वो सभी को एक्सप्रेस करने शुरू कर देता है, वर्ड की फॉर्म में दूसरों को बताता है, ठीक है, किसी वे से एग्जाम्पल के साथ बताता है, तो वो क्या बन जाते हैं, अनडिफ्यूज्ड टू डिफ्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि इस मॉडल ने क्या बोला कि डाटा और इन्फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं, और सेकंड इस मॉडल ने क्या बोला कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे को नॉलेज सिखा रहा है तो वो कैसे सिखाएगा, अनकोडिफिकेशन से कोडिफिकेशन तक जाएगा, मतलब अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में एक्सप्रेस करेगा, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाएगा, पहले करके दिखाएगा, फिर उसको एक्चुअल में समझाएगा कि ऐसा होता है। थर्ड क्या है, अनडिफ्यूज्ड टू डिफ्यूज्ड जाएगा, अनडिफ्यूज्ड टू डिफ्यूज्ड मतलब पहले वो नॉलेज जो है सिर्फ इस बंदे के पास ही लिमिटेड थी, डिफ्यूज्ड क्या हो गया कि जब उसने काफ़ी सारे पर्सन को ये बता दी, दैट मीन्स डिफ्यूज्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक क्यूब होता है जो इस मॉडल ने दिया है कि ऐसे हम दूसरे बंदे को इन्फॉर्मेशन जो है वो सिखा सकते हैं। थर्ड इस मॉडल ने क्या बात की, देखो हमने ये दोनों डिस्कस कर लिए, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हमने ये भी कर लिया, अब हम करेंगे सिक्स फेसेस। ठीक है, सिक्स फेसेस क्या है, देखो सिक्स फेसेस ऑफ सोशल लर्निंग साइकिल क्या है, इसने बोला कि हम मतलब नॉलेज जब सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है इन्वायरमेंट को। जब स्कैनिंग की जाती है इन्वायरमेंट की, तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब क्या सीखना चाहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या सीखना चाहते हैं, ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स स्कैनिंग।
फिर उसके बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे कोडिफाइड कर देंगे। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो सभी इंप्लॉइज़ क्या करेंगे, अब मिलके एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो वो कैसे करेंगे, अपने आप को उनकी प्रॉब्लम को वर्ड्स में एक्सप्रेस करके करेंगे, दैट मीन्स कोडिफिकेशन हो गया। थर्ड सिचुएशन क्या आ गई, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मीन्स जब वो सब मिलके उसको सॉल्व, उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला और वो उनको आपस में अप्लाई करके देख लिया, दैट मीन्स अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को, वो होगी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अब्स्ट्रैक्शन होगी। डिफ्यूजन मीन्स कि जब वो बड़े लेवल पे, वाइडर लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, वाइडर लेवल पे, ठीक है, जब वो जनरलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को। जनरलाइज का मतलब आपको पता होगा कि जब हम वाइडर लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं ना, वो पहले तो वो 3 या 4 लोगों तक वो लिमिटेड थी नॉलेज, यहाँ पे उन्होंने जो सॉल्व की थी। उसके बाद में डिफ्यूजन का मतलब जब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को बता देते कि भाई अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई, हमारी अगर मशीन है मान लो कि अगर वो ख़राब होगी तो वो इसी तरह से ही ठीक होगी, दैट मीन्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स कि सभी को हमने बता दिया कि जनरलाइज कर दे कि ऐसे ही होगा, ठीक है। अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन मीन्स अब जब बाकी के सारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन जो उसको अडॉप्ट करने लग गए तो वो क्या बन गया, अब्सॉर्प्शन बन गया, क्लियर। अब्सॉर्प्शन मीन्स जब सभी अप्लाई करते हैं। इम्पैक्टिंग मीन्स कि जब एंड में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रूल की फॉर्म में बन गया कि भी सारा सारा प्रोसेस है जब हमारा कंप्लीट हो गया तो जो हमने सारा कुछ किया वो एक तरह से रूल्स ही बन गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या बन गया, इम्पैक्टिंग। देखो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ सारा एक बार क्लियर कर देती हूँ। स्कैनिंग मीन्स जब हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो हो गया स्कैनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स जब हम हर बंदे ने अपने अपने आइडियाज़ को अपने माइंड के अंदर जो भी उनके प्रॉब्लम चली थी सबने आपस में डिस्कस किया। अब्सट्रैक्शन का मतलब जब उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपस में अप्लाई करके देखा। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब जब उन्होंने वाइडर लेवल, मतलब काफ़ी सारे पर्सन से मिलकर जनरलाइज करने की कोशिश की उस चीज़ को कि सभी उसको प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करें। अब्सॉर्प्शन मतलब कि जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। जैसे हमने पीछे एग्जांपल की थी कि मशीन ख़राब हो गई थी, ठीक है, तो वो वैसे ही ठीक होगी, इन बंदों ने करके देखा तो सबको बता दिया कि ऐसे ही होगी, ठीक है। अब वो इम्पैक्टिंग मीन्स वो रूल ही बन गया ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मशीन ख़राब होगी तो वो वैसे ही ठीक होगी, ठीक है। तो एक तरह से ये नॉलेज क्रिएट होगी उनके अंदर कि कैसे नॉलेज क्रिएट हुई, स्कैनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया, फिर डिफ्यूजन, फिर अब्सॉर्प्शन, फिर इम्पैक्टिंग। आप इसको एग्जांपल के साथ याद रख सकते हो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई। एक बार ये शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया हमने। हमने किया कि जो ये मॉडल है ये नॉलेज मैनेजमेंट का थर्ड मॉडल है और इसने क्या बोला कि डाटा इन्फॉर्मेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। सेकेंड उसने बोला 3 डिमेंशन क्यूब्स होती हैं। 3 डिमेंशन क्यूब कैसे होती हैं, कोडिफिकेशन टू अनकोडिफिकेशन टू कोडिफिकेशन जाना है हमने, कंक्रीट टू अब्सट्रैक्ट जाना है, पहले करके दिखाना है फिर उसको अब्सट्रैक्ट बता देना है, फिर इनडिफ्यूज टू डिफ्यूज जाएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या होता है, 6 फेजेस से हम सोशल लर्निंग गोल हमारा चलता है, स्कैनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब्सट्रैक्शन, डिफ्यूजन, अब्सॉर्प्शन एंड इम्पैक्टिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और आने वाली वीडियोज़ में इसके जो बाकी के टॉपिक रह गए हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।